हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं अपना स्टेट स्पेशल, जिसमें हम तीन डिस्कस कर चुके हैं, चार डिस्कस कर चुके हैं मान लीजिए, केरला, तमिलनाडु, उसके अलावा दो यूटी भी हम डिस्कस कर चुके हैं, JNK और लद्दाख। ये दोनों एक साथ डिस्कस किए थे और ये दोनों अलग अलग हम डिस्कस किए थे। इसके बाद इसके अलावा हमारा एक कोर्स आता है हरियाणा स्पेशल का, ठीक है। उसके अलावा हम रिसेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें हम इकोनॉमी डिस्कस करें, वो भी दो तीन चैप्टर बचा हुआ है। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ, जो ज्योग्राफी के लास्ट में जो चीज़ कुछ चीज़ दिया हुआ है वो हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेट स्पेशल में इंक्लूड करके, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में हम वेस्ट बंगाल में क्या क्या डिस्कस करने वाले, पहले वो मैं बता दूँ। वेस्ट बंगाल का फिजिकल, सबसे पहले पॉलिटिकल मैप, डिस्ट्रिक्ट और फिजिकल मैप, फिजियोग्राफिक रीजन कौन कौन है, जैसे तराई रीजन है, जो नदन साइड में कुछ हिमालय वाला भी रीजन है, वेस्टर्न साइड में कुछ पेनिनसुलर प्लेट्यू का भी पार्ट है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा रिवर पे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, इम्पॉर्टेंट रिवर के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद लेक, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे पोर्ट, जो हमारा रिवर वेज है, नेशनल वाटर वेज है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि नेशनल वाटर वेज 1 तो आप लोगों को पता है, 11 वो रिवर नेशनल वाटर वेज 5 भी वेस्ट बंगाल का थोड़ा क्रॉस करता है, ये भी हमें ध्यान रखना है, वो भी डिस्कस करेंगे। टेम्पल डिस्कस करेंगे, उसके बाद फेस्टिवल डिस्कस करेंगे, उसके बाद इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी जिनके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे एक है अब रविन्द्रनाथ टैगोर जी, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, विवेकानंद जी, इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो एक अवनींद्र नाथ टैगोर जी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि पेंटर हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में, ठीक है। और GI टैग वेस्ट बंगाल में जो जो मिला है, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, रिवर सेंचुरी जो होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, वेटलैंड्स, ठीक है ना। इसके अलावा भी आप लोग बोल सकते हो कि ये सर ये ऐड करना है, ये ऐड करना है। अब मैं जैसे इसमें आप लोग के बोलने के कारण ही कुछ चीज़ एक्स्ट्रा, जैसे आप कुछ चीज़ देखो केरला में GI टैग नहीं दोगे, आप में से कुछ लोगों ने बोला, मुझे मैसेज किया कि GI टैग भी ऐड करो, तो GI टैग भी मैंने ऐड किया। इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स तो हम डिस्कस करें, और भी चीज़ आपको जो लगता है कि हाँ ये ऐड होना चाहिए, ऐड होना चाहिए, तो ऐड कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल का अगर मैप देखते हैं तो कुछ इस तरह से मैप आपको दिख रहा है, वेस्ट बंगाल यहाँ पे मिला है। तो आपको लगेगा कि वेस्ट बंगाल कितने देश से टच करता है, तो आपको लगेगा बहुत, अगर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते तो हमें लगेगा यार सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश से टच हुआ, नहीं, भूटान से भी टच है और नेपाल से भी टच है। वेस्ट बंगाल 3 देश से टच है, भूटान से, नेपाल से और वेस्ट बंगाल से। तो इंडिया में कोई स्टेट जो सबसे ज़्यादा देश से बॉर्डर जोड़ता है वो वेस्ट बंगाल ही है। आप चाहे आप मिजोरम की बात करो, ज़्यादातर दो, अरुणाचल प्रदेश की बात करो, 2 से बॉर्डर बनाता है, उत्तराखंड की बात करो 1 से बॉर्डर बनाता है, जम्मू एंड कश्मीर की बात करो तो ये पाकिस्तान से बॉर्डर बनाता है, लद्दाख अगर बात करो तो अफगानिस्तान थोड़ा सा पाकिस्तान, और नहीं लद्दाख भी 3 से बॉर्डर बनाता है, ये भी ध्यान, मतलब 2 है लद्दाख और वेस्ट बंगाल, 2 ध्यान रखा है। तो लद्दाख मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि लद्दाख तो यूटी आता है ना, ठीक है, हो गया। तो अब देख लेते हैं 3 देश से बॉर्डर बना था, राज्य कौन कौन से बॉर्डर बना था। एक है उड़ीसा सदर में, अगर बात करें हम वेस्टर्न में तो आता है झारखंड, और उसके बाद बिहार से बॉर्डर बनाता है, उसके बाद आसाम से बॉर्डर बनाता है, ध्यान रखिएगा, ऊपर सिक्किम से बॉर्डर बनाता है, सिंपल सिंपल, मेघालय से बॉर्डर नहीं बनाता है, न अरुणाचल प्रदेश से, आसाम से बॉर्डर यहाँ पे बनाया, सिक्किम से यहाँ पे बनाया, यहाँ पे बिहार से बनाया, यहाँ पे झारखंड से बनाया, यहाँ पे उड़ीसा। तो कितने बॉर्डर स्टेट है, 1, 2, 3, 4, 5 स्टेट, 5 स्टेट और 3 कंट्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम चलते हैं, तो अगर बात करें टोटल डिस्ट्रिक्ट की, तो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन है पहले मैं बता देता हूँ, टोटल डिस्ट्रिक्ट कितना, यहाँ पे देखिए टोटल डिस्ट्रिक्ट है 23, तो डिस्ट्रिक्ट यही सब है,
जैसे यहाँ पे देख सकते हो दार्जिलिंग यहाँ पे है। दार्जिलिंग वाला जो एरिया है ना, ये एरिया थोड़ा सा एरिया है माउंटेन वाला। आपको पता है ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है, ईस्टर्न हिमालय, हिमालय जैसे हिमालय, यहाँ पे हिमालय है, यहाँ पे हिमालय है, तो ईस्टर्न हिमालय का पार्ट, थोड़ा शिवालिक वाले का पार्ट यहाँ पे है, शिवालिक पार्ट है। तो एक चीज़ तो मैं आपको सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूँ कि वेस्ट बंगाल का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे होगा, तो आप बोलोगे भैया कहीं पे होगा, कोई नाम मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन होगा तो यहीं पे होगा। हाँ वही है, हम आपको लास्ट में बताएंगे, ठीक है ना। तो ये देख लिया वेस्ट बंगाल का ये है। उसके बाद ये वाला पार्ट है ना, पुरुलिया वाला पार्ट, ये आपको नहीं लगता है पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट होगा? आपको नहीं लगता ये वाला पार्ट रांची के ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है, यहीं पे ना राजमहल वगैरह के आसपास यही है ना, तो ये पेनिनसुलर पार्ट। ये वाला एरिया आपको पता है मैनग्रोव वाला पार्ट है, डेल्टा वाला पार्ट है। तो आपको नहीं लगता कितना वेराइटी है यहाँ पे, कितना ज़्यादा वेराइटी है? तो वहीं पे हम यहाँ पे पहले वेराइटी देख लेते हैं। ये वाला आता है माउंटेन का पार्ट आता है, उसके बाद ये वाला माउंटेन, उसके बाद माउंटेन के जस्ट नीचे तराई वाला रीजन आता है, ये हमें ध्यान रखना है, तराई वाला रीजन आता है, ठीक है ना। उसके बाद ये नदन प्लेन रीजन है, ठीक है ना, इधर वाला प्लेट्यू वाला रीजन है। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछूंगा दो प्लेन है, एक नदन प्लेन, सदन प्लेन। तो आपसे मैं पूछ सकता हूँ कि भाई बताइए नदन प्लेन और माउंटेन के बीच रीजन को क्या बोलते हैं? तराई बोल दिए। अब मैं पूछूं कि सदर्न प्लेन और पेनिनसुलर प्लेट्यू के बीच वाले रीजन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रार रीजन, RARH। ये बिल्कुल नहीं भूलना इसको, ये है कोस्टल रीजन और ये है सुंदरबन का डेल्टा रीजन, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन अगर ज्योग्राफी में आएगा तो वेस्ट बंगाल के ज्योग्राफी में बेसिक क्वेश्चन इससे आ सकता है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है वेस्ट बंगाल में, तो ये पॉइंट है, इसका नाम है संदाकफू। संदाकफू वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है। दार्जिलिंग की आपको पता है, दार्जिलिंग की चाय फेमस है, दार्जिलिंग की, और दार्जिलिंग का जो चाय है उसको सबसे पहले GI टैग मिला था, ये हमें पता होना चाहिए। चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये वाला डिस्ट्रिक्ट है टोटल 23, तो हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में। देखो अभी तक जो जो केरला जितना आप बताओगे ना, क्योंकि आप लोगों ने बोला थोड़ा सा और डिटेल में बताइए, ये है नॉर्थ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, कोलकाता यहाँ पे, हावड़ा, पूर्वा मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, झरग्राम, बनकूरा, पुरुलिया। देखा थोड़ा, सॉरी वेस्ट बंगाल वाले, वेस्ट बंगाल वालों, क्योंकि थोड़ा सा मुझे प्रोनाउंसिएशन में, क्योंकि मैंने ज़्यादा बार नाम नहीं लिया है इन सब का, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ, नादिया। और उसके बाद दो ऐसे हैं वर्धमान, एक पश्चिम वाला एक पूर्व वाला, और बीरभूम है एक, मुर्शिदाबाद, ठीक है, मालदा, और देखो दिंजापुर है, दिनाजपुर, सॉरी दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, और दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कूचबिहार। ओहो इतने सारे डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना, 23 डिस्ट्रिक्ट है टोटल, ठीक है। एक समय में जो ये वाला पार्ट था, यहाँ पे देख लीजिए कौन सा एम्पायर था, तो थोड़ा चालुक्य वाला एम्पायर था। यहाँ जो 20 में देखते हो ना, 20 वाला जो थोड़ा ये, सॉरी यहाँ पे वेस्ट बंगाल, यहाँ पे जो अराकम वाला एरिया, ये वाला नहीं, ये वाला वेस्ट बंगाल, ये वाला जो पाला एम्पायर का पार्ट था कुछ समय के लिए, बस वो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। वेस्ट बंगाल ऑब्वियसली 26 जनवरी 1950 को इस्टेब्लिश किया था, मतलब पहले ही राज्य बना दिया। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत सारे स्टेट में बोला था ना कि ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बाद बना था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है, और गवर्नर है जगदीप धनखड़ जी, चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी जी, AITC मतलब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो पार्टी है उनके ये लीडर है, इसलिए ये चीफ मिनिस्टर भी बनी है। लेजिस्लेटिव ऑब्वियसली यूनिकैमरल है, बाई कैमरल नहीं है, सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। लोकसभा में 42 सीट है, राज्यसभा में 16 सीट है। हाईएस्ट जो कलकत्ता है, कलकत्ता हाईकोर्ट, जो हाईकोर्ट है इनका, वो सबसे पहली बार यही हाईकोर्ट बना था, ठीक है। और आपको पता होगा अंडमान और निकोबार का केस यही लड़ते हैं, ठीक है। एरिया में बात करें तो रैंक आता है 13th, अगर पॉपुलेशन में बात करें तो रैंक आता है फोर्थ रैंक, ठीक है ना। और ज़्यादा ऑफिशियल लैंग्वेज दो है, बंगाली और इंग्लिश,
और एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज कई सारा है, नेपाली जो कि दार्जिलिंग वाले एरिया में बोला जाता है, उर्दू भी बोला जाता है जो टच नहीं है बांग्लादेश से वो पार्ट में, कुछ हिंदी, उड़िया, संथाली, पंजाबी, कमतापुरी, राजवंशी, कुरनाली, कुरुक, तेलुगु, ये सब लैंग्वेज और बोले जाते हैं। ठीक है, एम्बलम इस तरह का है कुछ, देख लीजिए ये यहाँ पे हमारा वो देश वाला जो है ना, कंट्री वाला आता है अशोक चक्र में जो ऐसा है, और मोटो सत्यमेव जयते, इवन आपने बिहार का भी मोटो देखा था यही है सत्यमेव जयते। मैमल है फिशिंग कैट, फिशिंग कैट मैमल आपको मिल जाएगा। बर्ड है वाइट थ्रोट किंगफिशर, फिश है इलियस, और फिश बहुत बहुत फेमस इनका डिश होता है, फिश, फिश और राइस, फिश और राइस। ठीक है, राइस भी अच्छा खासा होता है डेल्टा में। फ्लावर नाइट फ्लोरिंग जैस्मिन जो होती है, उसका चतिम ट्री जो होता है, चतिम ट्री ये है इनका सारा सिंबल्स है, चतिम ट्री। क्लियर, लैंग्वेज बोला जाता है सबसे ज़्यादा बंगाली ऑलमोस्ट 86%, उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है हिंदी, फिर संथाली, फिर उर्दू, फिर नेपाली, फिर अदर्स। रिलीजन की बात करें तो हिंदुज़म सबसे लार्ज है, उसके बाद आता है इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, ये सब ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, ये सब 2001 के सेंसस के हिसाब से। वेस्ट बंगाल एक्चुअली इंडिया के ईस्टर्न बॉटल नेक पे है, ईस्टर्न बॉटल नेक पे, ईस्टर्न वाले साइड पे है। ठीक है ना, जिसके नॉर्थ साइड में तो हिमालय है, साउदर्न साइड में बे ऑफ बंगाल है, तो पता है एरिया हमें पता है। जो जो ये वाला साइड है, यहाँ पे कौन सा एरिया है, ये है दार्जिलिंग का हिमालयन रीजन। ठीक है, यहाँ पे एक संदकफू है जो कि हाईएस्ट पीक है पूरे राज्य का, संदकफू, मैंने लोकेशन आपको दिखाया था ना ये वाला। ठीक है, और इसके बाद ये तराई रीजन है, हमने देख लिया तराई रीजन एक्चुअली किस किस को जोड़ता है, इधर वाले को मतलब इसको हिमालय वाले पोर्शन को और गंगा डेल्टा को कनेक्ट, गंगा वाले प्लेन को कनेक्ट करता है दोनों के बीच, दोनों के बीच कनेक्ट नहीं बोल सकते, दोनों के बीच में गैप है। ठीक है ना, राह रीजन क्या है, वेस्टर्न प्लेट्यू और सदर्न प्लेन के बीच है, और उसके बाद कोस्टल रीजन है सुंदरबन डेल्टा है, सारा लोकेशन में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रिवर की बात कर लेते हैं, तो गंगा रिवर, वैसे तो गंगा रिवर इधर से आती है, यहाँ पे एक लोकेशन है फरक्का के पास, फरक्का के पास गंगा दो पार्ट में टूट जाती है, एक चली जाती है पद्मा बन के, पद्मा बन के चली जाती है किससे मिलने, यहाँ पे आता रहता है रिवर जमुना, जमुना एक्चुअली यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है ना उसका नाम यहाँ पे चेंज हो जाता है, जैसे ही बांग्लादेश में जाती है उसका नाम चेंज हो जाता है जमुना, जमुना नीचे आती रहती है, तो गंगा का एक पार्ट पद्मा मिल जाता है इसे, कहाँ पे, फरक्का के पास ब्रेक हो जाता है, फरक्का के पास ब्रेक हो जाता है। ठीक है ना, और रिवर के बारे में और सारा चीज़ें बताऊंगा, फरक्का के पास ब्रेक हो जाता है, तो एक हो जाता है पद्मा और दूसरा इधर चला जाता है जिसको बोलते हैं हुगली रिवर। ठीक है ना, तो आपसे पूछा जा सकता है वेस्ट बंगाल दो पार्ट में रिवर टूटता है, गंगा रिवर एक पद्मा, और पद्मा बाद में नाम चेंज हो जाता है, उसका नाम चेंज हो जाता है बाद में मेघना हो जाता है, यहाँ के आसपास मेघना रिवर हो जाता है, लेकिन एक एक जो होती है हुगली रिवर मिलती है और वो फिर सीधा जाके बे ऑफ बंगाल, मतलब हुगली बन के और सीधा जाके बे ऑफ बंगाल में मिलते हैं, बाद में हुगली में दामोदर रिवर मिलता है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है, जो कोलकाता शहर है, कोलकाता शहर हुगली रिवर के किनारे ही है, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, और कुछ कुछ और लोकेशन है जो दामोदर रिवर के किनारे, जो वर्धमान जो जगह है वो दामोदर रिवर के किनारे है, और एक चुनचूड़ा जगह है वो भी हुगली रिवर के किनारे, हावड़ा भी हुगली रिवर के किनारे है, अलीपुर भी हुगली रिवर के किनारे, यही सब जगह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मतलब थोड़ा कभी कभी पूछ दिया सकता है कि ये इसमें से कौन सा जो उसके पास है। अब देखो, तो हम तीनों रिवर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, पहले मैं दामोदर के बारे में डिस्कस कर लूँ, ये है दामोदर रिवर एक्चुअली, ये है देखो ना, यहाँ से दामोदर रिवर, ये हुगली रिवर है, हुगली रिवर में दामोदर रिवर आके मिल रहा है, हुगली रिवर में ऐसे यहाँ पे मिला ना। ठीक है ना, यहाँ पे आपको पता है हल्दिया पोर्ट है, हमें हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो, तो दामोदर रिवर ये कहाँ से निकलता है, कहाँ से, यहाँ के आसपास एक हिल्स है पलामू हिल्स, पलामू हिल्स कहाँ पे, छोटा नागपुर प्लेटू से, तो हमें पता ही है ना इसके इधर इधर तो थोड़ा वेस्टर्न प्लेटू है, पेनिनसुलर प्लेटू इसके वेस्टर्न साइड में, तो वहीं से निकलता है। ठीक है, ये दामोदर रिवर दो राज्य से पास करती है, पहले झारखंड से फिर आके वेस्ट बंगाल में मिलती है। ठीक है, और एक्चुअली ये रिफ्ट वैली से होके आती है,
और दामोदर रिवर की एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, नाम यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ट्रिब्यूटरी का नाम है बराकर रिवर, बराकर रिवर, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा फ्लड लाती थी पहले, अभी भी लाता है लेक, तो इसको हम सौरो ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, ठीक है ना। और लेकिन दामोदर जो रिवर है ना, दामोदर वैली जो कॉरपोरेशन है वहाँ पे एक मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट बना है 1948 के बाद। इसके अंदर चार प्रोजेक्ट थे, चार डैम थे। पहला है तिलैया डैम, तिलैया डैम, तिलैया डैम यहाँ पे है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे यही तो बराकर रिवर है, सॉरी यहाँ पे दिया था ना, बराकर रिवर बाद में मिलता है ना, तो तिलैया डैम, तिलैया डैम यहाँ पे बना है, ठीक है ना, तिलैया डैम। और तिलैया डैम यहाँ पे बना है, आपको देखें। एक और डैम है बराकर रिवर में, मैथोन डैम। तो आप देखो ये दोनों डैम किसका पार्ट है, ये दोनों डैम है पार्ट जो दामोदर रिवर में जो चार मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट बने थे उसमें चार डैम है, चार डैम है, दो डैम कहाँ पे है, बराकर रिवर में, तिलैया डैम और मैथोन डैम, ठीक है ना। तिलैया डैम एक्चुअली झारखंड में है, ठीक है ना, तिलैया डैम झारखंड में है, और ये बराकर रिवर ये एकदम पास में दामोदर के कन्फ्लुएंस पे जब मिलने वाला होता है ना वहाँ पे, तो ये आता है वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना। ये मैथोन डैम आपको नहीं लगता, जब मिलने वाला होता है ये तो वेस्ट बंगाल में आता है, ये तो सॉरी झारखंड में, ये झारखंड में आता है लेकिन ये वेस्ट बंगाल में आता है, समझ में। दो प्रोजेक्ट हमने देख लिया, दो डैम देख लिया, तिलैया डैम और मैथोन डैम, ये दोनों बराकर रिवर पे हैं। तिलैया डैम है झारखंड में है, जब बराकर रिवर ऑलमोस्ट स्टार्ट होता रहता है उसके जस्ट कुछ समय बाद, क्योंकि स्टार्टिंग में तो डैम नहीं बन जाती ना। मैथोन डैम, मैथोन डैम है ये है जब कन्फ्लुएंस पे, जब मिलने वाला होता है ना दामोदर रिवर से, तब बनती है। दो और डैम है, एक कोनार डैम, ठीक है, इसी का पार्ट है कोनार डैम, और एक है पंचेत डैम, इसमें दिया है, एक है पंचेत डैम यहाँ पे है और एक है कोनार डैम, कोनार डैम, पंचेत डैम, कोनार डैम भी, ये भी देखो ये झारखंड के ही पास होगा, ठीक है ना, और एक है पंचेत डैम, पंचेत डैम, और भी डैम है लेकिन इसका पार्ट यही है, ठीक है ना, ये भी पंचेत डैम, ये मैथोन डैम के जस्ट थोड़ा सा पास में है, ऑलमोस्ट डिस्टेंस है 20 किलोमीटर। तो ये भी, ये दोनों वेस्ट बंगाल में है, ये दोनों झारखंड में, समझ में। चार है जो इस दामोदर रिवर वैली के प्रोजेक्ट में, और भी प्रोजेक्ट है लेकिन ये सब इसका बात नहीं है, जैसे कंसक बत्ती एक डैम है लेकिन इसका पार्ट नहीं है, समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं, समझे। ये दोनों हैं, ये दो और ये दो, ये चार है दामोदर वैली पे जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसका पार्ट है, 1948 में ही से ही शुरू हो गया था, ठीक है। देखो यहाँ पे धनबाद जो जगह है यहाँ पे है, धनबाद जो झारखंड में जो धनबाद है ना यहाँ पे है, याद रखना। आपसे पूछा जा सकता है कि धनबाद शहर किन दो रिवर के बीच में, तो आप बोलना बराकर रिवर और दामोदर रिवर के बीच में है, एक दोआब रीजन है, दोआब रीजन नहीं बोलते हैं, दो रिवर के बीच वाले रीजन को दोआब रीजन वो बोलते हैं। अजय रिवर है, उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, ठीक है, इतना चलिए सही है। अब गंगा रिवर की बात करते हैं, गंगा रिवर से तो बहुत सारे आपको पता है, गंगोत्री से निकलती है, दो ट्रिब्यूटरी होती है गंगा और भागीरथी, ठीक है, देवप्रयाग के बाद दोनों मिल जाता है। अब ज़्यादा तो हम डिस्कस कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वेस्ट बंगाल वाले पार्ट में डिस्कस करें। गंगा से कौन कौन मिलती है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, ये सब हम स्टेट वाले में डिस्कस। तीस्ता याद रखना है, तीस्ता वेस्ट बंगाल से होके आती है, देखो सिक्किम से ओरिजिनेट होती है वेस्ट बंगाल के होते हुए फिर जाती है बांग्लादेश में, तीन ही जगह सिक्किम, वेस्ट बंगाल और फिर बांग्लादेश, तीस्ता मिलती है, तीस्ता मिलती है, ठीक है ना। और एक और इम्पॉर्टेंट है अभी करेंट अफेयर्स का है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने तीस्ता रिवर पे एक सस्पेंशन ब्रिज बनाया है, ठीक है ना, किस प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट स्वास्थ्य के अंदर, ताकि इधर से इधर लोग जा सके, ठीक है ना, कहाँ पे, मुंशिक थांग जगह जो है सिक्किम में, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। की पॉइंट क्या है, तीस्ता रिवर ब्रह्मपुत्रा के ट्रिब्यूटरी है, जमुना से मिलती है बांग्लादेश में, और हिमालय से ओरिजिनेट होती है सिक्किम में, चुनथांग जो रीजन है वहाँ से ओरिजिनेट होती है फिर बांग्लादेश में जाती है। तीस्ता जो बैरेज है इम्पॉर्टेंट है अपर पद्मा और जमुना के बीच में, ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश में तीस्ता का वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है ना। अब देखते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट लाइन देखते हैं, ये तो हम डिस्कस कर चुके, राह रीजन हम डिस्कस कर चुके हैं,
और कुछ और रिवर जैसे तीस्ता तो हम देख लिए, जलधारा जैसे हमने देखो दामोदर डिस्कस कर लिया, ये दो देखो, एक तो पंचेत रिजर्वायर ये भी आपको पता है झारखंड में है, मैथोन रिजर्वायर ये दोनों हम डिस्कस कर लिए थे, दो रिजर्वायर हमने और डिस्कस किया था ठीक है ना, ये बराकर रिवर है, ये बराकर ही एक्चुअली बराकर ठीक है, और उसके बाद और दो डैम था वो हमने देख ही लिया था ठीक है। कुछ और रिवर यहाँ पे है जो कि उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हो अजय रिवर है ठीक है ना, उसके बाद कनसकवती रिवर है, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और आराम से ठीक है ना, ये है अजय रिवर ठीक है ना, अजय रिवर ये वाला रिवर है यहाँ पे आके मिलता है ठीक है ना, और उसके बाद चलिए ये उतना छोड़ सकते हैं आप, जलधका महानंदा ये सब रिवर है ठीक है। अब एक चीज़, एक हम जो काल वैसाखी सुनते हैं जो प्री मानसून शावर होता है, प्री मानसून शावर ठीक है ना, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है क्योंकि ये गर्मी महीने में होती है, तो लू बोलते हैं जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो इन एरिया में लू बोलते हैं, लेकिन जब प्री मानसून जो एकदम स्टॉर्म टाइप का आ जाता है तो वेस्ट बंगाल में उसको काल वैसाखी बोलते हैं, इस एरिया में उसको बोलते हैं बरदोली चिराह, अब केरला में बोलते हैं ब्लॉसम सावर, मैंगो सावर बोलते हैं कर्नाटका में ठीक है ना। कुछ इम्पॉर्टेंट और देख लेते हैं, यहाँ पे हजारीबाग प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू इनके पास में ही है ठीक है ना, याद रखना है, गजहट हिल्स यहाँ पे पास में ही है, हुगली रिवर वगैरह सबके पास में ही, इसके हमने देखा था ना कुछ इसका जो वेस्ट बंगाल का जो वेस्टर्न पार्ट है वो थोड़ा प्लेटू का पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट तो हजारीबाग छोटा नागपुर गजहट ये सब है ठीक है ना। और एक यहाँ पे देखना है, ये है राजमहल हिल्स, राजमहल हिल्स एक्चुअली वो पॉइंट है, राजमहल हिल्स एक्चुअली वो पॉइंट है जिस पॉइंट के बाद पेनिनसुला ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है, उसके बाद यहाँ देखो पेनिनसुला ऐसे होता है फिर यहाँ से ब्रेकअप होता है जिसको हम बोलते हैं मालदा गैप, मालदा गैप, और उसके बाद यहाँ पे गारो खासी जयंती है ठीक है ना, ये भी पेनिनसुला का पार्ट है और ये भी पूरा पेनिनसुला का पार्ट है ठीक है। छह नेशनल पार्क है, बक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा, जल्दा पारा, नेवरा वैली, सिंगलिया सिंगालिया और सुंदरबन, ध्यान देना ये सुंदरबन नेशनल पार्क है ठीक है। उसके बाद है उसके बाद है बक्सा नेशनल पार्क ठीक है ना, बक्सा नेशनल पार्क है, उसके बाद कौन है जल्दा पारा नेशनल पार्क, तो देखो इसमें कौन कौन सा दिया है, इसमें ज़्यादा लोकेशन नहीं दिया है नेशनल पार्क का, एक ही का दिया है सुंदरबन का दिया है, और भी देखते हैं यहाँ पे, हाँ सुंदरबन यहाँ पे एक नेशनल पार्क है ठीक है ना, ज़्यादा लोकेशन नहीं दिया है, बस थोड़ा सा ध्यान रख लेना आपको, बक्सा है कौन कौन सा है वो थोड़ा ध्यान रख लेना है, बक्सा गोरुमारा जल्दा पारा ये सब न्यूज़ में जब आती है ना तभी जाके इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बक्सा बार बार न्यूज़ में रहती है, शायद इसमें मुझे पूरा तो याद नहीं है टाइगर नहीं है इसमें इसीलिए न्यूज़ में आया था, जल्दा पारा नेशनल पार्क है, न्योरा वैली नेशनल पार्क है, और सुंदरबन तो कभी भी न्यूज़ से आप बाहर रख ही नहीं सकते ठीक ना, सिंगरालिया नेशनल पार्क। उसके बाद अगर बात करें नेशनल पार्क में सबसे पहले किसको डिजिग्नेट किया गया था, इन दोनों को, न्योरा वैली और सिंगरालिया का, सबसे लेटेस्ट कौन सा है जल्दा पारा नेशनल पार्क ठीक है ना, बहुत सारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है तो इतना ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है, आप सबसे लेटेस्ट वालों को ध्यान रखें, वेस्ट सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वेस्ट सुंदरबन, सुंदरबन के वेस्ट में साइड में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिंतामणि भी है, परमादन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके बाद यहाँ पे एक है बल्ला भपूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रैगुनगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो इतना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद नहीं करना होता है, बल्दापुर और बेथुदाहिरी, विभूति भूषण, बक्सा, चंद्रामणि, चिंतामणि, ये दोनों याद कर सकते, चंद्रामणि और चिंतामणि, यहाँ पे बर्ड ज़्यादा मिलता है ठीक है ना, होलीडे आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जोरेखेपुरी, लुथियान आइलैंड, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखो एक बार नज़र दौड़ गया ना तो हमारा आएगा तो, क्योंकि याद नहीं रह सकता ना इतना, राम नगवागवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सजना खाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेंचाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
ठीक है, थोड़ा लोकेशन देख लीजिए, यहाँ पे ये सब सारे जो लोकेशन दिए हैं वो सेंचुरी के हैं, ठीक है ना। नेशनल पार्क का एक ही दिया है इसमें, मिल नहीं मिल रहा था ना। अब देखो, एक पोर्ट है यहाँ पे, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में एक पोर्ट है, एक ही मेजर पोर्ट है यहाँ पे, हल्दिया। हल्दिया एक मेजर पोर्ट है, ठीक। तो यहाँ पे हल्दिया पोर्ट है, तो हल्दिया में देखो इसका नाम एक्चुअली चेंज होने वाला है। 150 साल हो चुके हैं कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के, इसलिए इसका नाम चेंज होने वाला है। जो बीजेपी के लीडर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पे चेंज हो रहा है। ये आई थिंक पहले थे जब भारतीय जनसंघ था ना, तभी उनके फाउंडर है, ठीक है ना। पोर्ट में दो डिस्टिंक्ट डॉक सिस्टम है, कोलकाता डॉक और हल्दिया डॉक, इसलिए हम बार बार सुनते होंगे कि इसका नाम ये है, लेकिन दो अलग अलग डॉक सिस्टम है, एक हल्दिया में एक है कोलकाता में। कुछ हिस्ट्री की बात कर ले, इसको हम गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया बोलते हैं, ठीक है ना। और इसी के कारण हम बिहार ईस्टर्न यूपी से ट्रेड कर सकते थे उस समय पुराने जमाने में, ठीक है ना। और एक और चीज़, ये इसका जो ऑटोनमस, इसका जो मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट के तहत इसको ऑटोनमस बॉडी का दर्जा दिया गया है। ये एकमात्र रिवर इन मेजर पोर्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट, एकमात्र रिवर इन मेजर पोर्ट है, बाकी सब तो ओशन पे है ना, ठीक है ना। और नेविगेशनल चैनल जो होता है दुनिया में बहुत है, उनमें से लंबा है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। टाइगर रिजर्व की बात करें, टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट की बात करें तो एक ही टाइगर रिजर्व है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व, दूसरा तो नहीं है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व, ठीक है। अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो सुंदर नेशनल पार्क है, ठीक है ना। एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सुंदरवन नेशनल पार्क, ठीक है। और एक्चुअली वर्ल्ड हेरिटेज साइट हर साल मिलती है और किसी साइट को डेजिग्नेट करती है, ठीक है ना, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। तो इंडिया के टोटल 38 साइट को डेजिग्नेशन मिल चुका है, जिसमें 30 है कल्चरल, 7 है नेचुरल, 1 है मिक्स्ड। तो आप मुझे बताओ कि सुंदरबन नेशनल पार्क किस लिस्ट में आएगा, ये आएगा नेचुरल लिस्ट में, नेचुरल, ठीक है ना। अगर कोई टेम्पल वगैरह है ये सब आता है कल्चरल में, सब मैं बता चुका हूँ वैसे भी, ठीक है। अगर बात करें बायोस्फीयर रिजर्व की, बायोस्फीयर रिजर्व, तो सुंदरबन एक बायोस्फीयर रिजर्व है सुंदरबन। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को ने डिजिग्नेशन दिया है? यूनेस्को ने, हाँ। देखो टोटल इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, 18, इसमें से 12 को डिजिग्नेशन मिल चुका है यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। उसमें कौन कौन आता है, नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, नंदा देवी, नोकरेक, पंचीमढ़ी, सिंपली फॉल, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्था मलया, कंचनजंगा, पन्ना। तो सबसे पहला जो था वो था नीलगिरी, 3 के बॉर्डर पे, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। अगस्था मलया को भी मिल चुका है केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे से, ठीक है। जो सबसे नया है वो है पन्ना, एक्चुअली मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश का जो 3 साइट है ना, तीनों को दर्जा मिल चुका है यूनेस्को को दर्जा। मतलब ये देखो, इंडियन गवर्नमेंट पहले बायोस्फीयर डिजिग्नेट करती, उसके बाद यूनेस्को जो होती है, यूनेस्को की जो कमेटी होती है, वो यूनेस्को की जो कमेटी होती है वो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत देखती है, जांच करती है, अगर हो जाता तो डिजिग्नेट कर देती, नहीं तो नहीं, ठीक है ना। तो सुंदरबन एक्चुअली डिजिग्नेटेड, सबसे नया है, 12वां है पन्ना, पहला है नीलगिरी, ठीक है। सुंदरबन मैनग्रोव फॉरेस्ट की बात करते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि देखो बार बार हम देख रहे हैं यहाँ पे सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व आया, सुंदरबन नेशनल पार्क आया, सुंदरबन टाइगर रिजर्व आया, तो सुंदरबन में है क्या क्या, यानी सुंदरबन को हमें डिटेल में तो करना होगा ना भाई। नेशनल पार्क भी देख लिया, हाँ, ईस्टर्न ईस्ट वेस्ट सुंदरबन को हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी दर्जा देते, यानी तो सुंदरबन में है क्या क्या। सुंदरबन में बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, क्या क्या है, तो सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सुंदरबन एक्चुअली 3 के डेल्टा पे बना है, 3 रिवर के, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर के डेल्टा पे बना है। सबसे पहले सेम सुंदरबन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला 1987 में, ध्यान देना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला, ठीक है ना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला।
और यहाँ पे बहुत सारे वाटर वेज है, मड फ्लड है, स्मॉल आइलैंड है बहुत सारा, इसलिए मैनग्रोव फॉरेस्ट भी है। इवन इवन इसको इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया का भी दर्जा मिला है। तो इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी यहाँ पे सब कुछ, इवन यहाँ पे बंगाल टाइगर मिलता है, गैंगेटिक डॉल्फिन मिलता है, ओलिव रिडली टर्टल्स मिलता है, और क्या क्या। बाद में इसको बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा मिला, और अभी दो तीन साल पहले इसको वेटलैंड का दर्जा मिला है, वेटलैंड्स का दर्जा मिला है, ठीक है ना। बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा तो पहले ही मिल गया, बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा पहले ही मिल गया था, नेशनल पार्क का दर्जा भी पहले मिल गया था, वेटलैंड का दर्जा अभी मिला है। तो समझ लिया, सुंदरबन में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, नेशनल पार्क भी है, वेटलैंड्स भी। अब ऐसा मत बोलना कि भाई भैया सर क्या ये बिल्कुल डिमार्केटेड है कि इधर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो यहाँ पे नेशनल पार्क। नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई साइट पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है, अब उसको नेशनल पार्क का दर्जा दे सकते हैं, ऐसा होता है। और हो सकता है इसमें से कुछ पार्ट अभी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है ना। हो सकता है इसी नेशनल पार्क के अंदर कुछ ऐसा एरिया हो जिसको आप वेटलैंड का दर्जा दे रहे हो, और इन सबको मिलकर आप बायोस्फीयर रिजर्व बोल रहे हो। समझ में है ना। ऐसा बिल्कुल डिमार्केशन नहीं करना कि वो ये नेशनल पार्क हो गया तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा, ये बिल्कुल अलग वेटलैंड साइड होगा, ऐसा नहीं। दोनों के गुण है तो दोनों दर्जा दे देंगे। एक एक प्रोग्राम है डिस्कवरी इंडिया और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसने वेस्ट बंगाल के साथ मिलकर सुंदरबन के मैनग्रोव को सेव करने के लिए, मतलब एक्चुअली मैनग्रोव को नहीं, टाइगर हैबिटेट को, मैनग्रोव में ही तो है ना, मैनग्रोव में ही टाइगर हैबिटेट है, उसको सेव करने के लिए काम किया है। कौन कौन? डिस्कवरी इंडिया और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। दो वेटलैंड है यहाँ पे, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड और सुंदरबन वेटलैंड, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड एंड सुंदरबन वेटलैंड। ध्यान देना, रामसर वेटलैंड्स की बात करते तो टोटल अब 42 है, ठीक है। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो इस ये मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ये वेबसाइट है ना ENVIS, आप प्लीज़ इसी वेबसाइट पे कुछ भी सर्च कीजिए, बायोस्फीयर रिजर्व, इसी वेबसाइट पे नेशनल पार्क सर्च कीजिए, इसी वेबसाइट पे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सर्च कीजिए, कुछ भी, क्योंकि ये किसके द्वारा चलाया जाता है वो तो देखो, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इतना मतलब काफ़ी ऑथेंटिक सिटी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखो, ये तो यूपी में सबसे ज़्यादा है, टोटल 8 है, ये सब हम लोकेशन देख ले चुके हैं। अब देखो, वेस्ट बंगाल में दो है, एक तो सुंदरबन 35वां नंबर, देखो सुंदरबन 9th नंबर, देखो ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड है, ठीक है ना। ये 2019 में, ये बाद में दर्जा मिला है, ये 2002 में बाद में इसको मिला है, मैंने बोला ना दो अभी कुछ साल पहले, वो 2019 में इसको दर्जा मिला है, ठीक है ना। अब एक और चीज़ देखो, यहाँ पे आप देखो अभी दो हजार ये 20 लोनार, एक और 2020 में दिखा रहा हूँ सुर सरोवर तशोकर, ये है सबसे नया, ये है सबसे नया तशोकर, ठीक है ना। बहुत सारा 2020 में तो बहुत सारा डिजिग्नेशन मिला, ठीक है ना। आठ पहले पता है 2019-20 से पहले बेस्ट इसमें सिर्फ एक हुआ करता था, लेकिन अब सीधे एक ही बार में पांच डिजिग्नेट कर दिया गया, ठीक है। और दो देखो, कोलकाता जो शहर है हुगली रिवर के किनारे है, कोलकाता को हम सिटी ऑफ जॉय बोलते हैं, सिटी ऑफ प्लेस बोलते हैं, निक नेम है। आर्सेनल को बोलते हैं असनसोल को बोलते हैं लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड, असनसोल को हम बोलते हैं लैंड ऑफ ब्लैक। वेस्ट बंगाल में कुछ GI टैग है, जैसे दार्जिलिंग की टी है, क्लियर। और उसके बाद नक्सी कथा है, कथा जो कथा होता है, हैंडीक्राफ्ट होता है। लक्ष्मण भोग मैंगो है, ऑब्वियसली हिम सागर मैंगो है, फजली मैंगो है, शांतिपुर सारी है, बलूचारी सारी है, धनी खाली सारी है, तो कई सारी मिला है। शांति निकेतन का लेदर गुड्स मिले हैं, जॉयनगर का मोया मिला है, फूड स्टफ है, खाने वाला है। बर्धमान का सीताभोग, बर्धमान का मिही दाना मिला है, गोविंद भोग राइस, तुला पंजी राइस, बंगला रसगुल्ला बहुत फेमस, बंकुरा पंचमुहा मुरा बंगाल का डोकरा, और बंगाल को पता चित्र, जो पता पे चित्र बना देते हैं हैंडी का। पुरुलिया का जो मास्क होता है, ये मैं आपको बताऊँ, छाऊ डांस होता है ना, उसमें मास्क का यूज करते, वो वाला वुडन मास्क, जो कि कुशमंदी का, और उसका मधुर कथी, ये सब हैंडीक्राफ्ट है। तो बस एक बार नज़र दौड़ा लेना, इसमें एग्जाम में वही आएगा जो करेंट अफेयर्स होता है।
बस नजर दौरान में क्या जाता है, दार्जिलिंग का टी, नक्शी का कमथा, लक्ष्मण भोग मैंगो जो कि एग्रीकल्चर है, हिम सागर मैंगो, फजली मैंगो, शांतिपुर सारी, बलूचारी सारी, धानी खाली सारी, शांति निकेतन का लेदर गुड्स, जवाहरनगर का मोवा, बर्धमान का सीताभोग, ये फूड स्टॉफ है, बर्धमान का मिही दाना, ये भी फूड स्टॉफ है, गोविंद भोग राइस, तुला पंजी राइस, उसके बाद बंगाल का रसगुल्ला और बकुदा, पंचमूरा का टेरा कोटा क्राफ्ट, और बंगाल का डोकरा, बंगाल का पता चित्र, पत्ता पे चित्र बनाते थे, लिखते थे ऐसे, पुरुलिया का छाऊ मास, इसके बारे में तो अभी हम डिस्कस करेंगे उसमें भी, जब हम डिस्कस करेंगे डांस के बारे में, वुडन मास्क, और कुशमंडी का, और मदूर कथी, ठीक है। उसका ट्राइबल भी यहाँ पे रहते हैं, जैसे संथाल, मुंडा, ओरियन, भूमिज, लोथा, कोल और टोटो, इम्पॉर्टेंट है। संथाल यहाँ सिर्फ यहाँ पे नहीं रहता, और जगह भी रहता है, ठीक है। नेशनल वाटरवेज की बात करते हैं तो दो है यहाँ पे, वैसे तो टोटल टोटल कितने हैं, पाँच है, टोटल छः है। उसके बाद प्रोपोज भी तो और है, तो आप बोलोगे प्रोपोज है ऑलमोस्ट 111, तो आप बोलोगे इतना क्यों नेशनल वाटरवेज पे हम जा रहे हैं, खुद देखो ना रेट देखो, 1 किलोमीटर के लिए पैसे कितने लगते हैं, मतलब अगर आप ट्रांसपोर्ट कर टन पर किलोमीटर, तो 2.5 रुपये लगते हैं हाईवे में, रेलवे में लगते हैं ऑलमोस्ट 1.30, 30 पैसे और कम लगे, ठीक है ना। तो पहला तो है आपको इलाहाबाद से हल्दिया, हल्दिया हल्दिया जो जगह हम देखते हैं अभी तो देखे, हल्दिया पोर्ट, तो यह है नेशनल वाटरवेज, हल्दिया टू इलाहाबाद, कौन कौन से स्टेट यहाँ पे, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। नेशनल वाटरवेज 5 देखो, ब्राह्मणी रिवर पे है और डेल्टा वगैरह कैनाल पे है, गोयन खाली से तालचर तक है, इसमें कौन कौन से स्टेट है, उड़ीसा से वेस्ट बंगाल, यहाँ पे देखो यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसे करके ऐसे देखो ना, यहाँ से ऐसे आता है, फिर ऐसे करके ऐसे ऐसे, ब्राह्मणी रिवर पे है, ब्राह्मणी रिवर पे ऐसा कुछ डेल्टा उल्टा पे है, कुछ कनाल वगैरह पे है, ठीक है। पर्सन कुछ इंपॉर्टेंट, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात करते हैं, इनको गुरुदेव बोला जाता है, कवि गुरु, विश्व गुरु बोला जाता है, ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थे, ठीक है ना, और बंगाली पोएट थे, नोवेलिस्ट थे, लिटरेरी फिगर थे, और इनको गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ मिला, जो कि पहली बार नॉन यूरोपियन को मिला गया था 1913 में, ठीक है, नॉन यूरोपियन। और एक और चीज़, 1915 में जो इनको जो अवार्ड मिला था नाइटहुड की उपाधि, 1915 में इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को छोड़ दिया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, ठीक है ना, ये एक्चुअली विश्व भारती यूनिवर्सिटी बनाए थे 1921 में, ठीक है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी के फ्रेंड थे और उन्होंने महात्मा का टाइटल दिया था, और इवन रविन्द्रनाथ टैगोर मदन मोहन मालवीय को जी को भी महात्मा बोलते थे। टैगोर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात करते थे, दो देशों के लिए एंथम इन्होंने तैयार किया था, इंडिया और बांग्लादेश के लिए, और इवन जो श्रीलंका का स्टूडेंट जो होता है ना, वो भी इंस्पायर थे इन्हीं के लिखे हुए चीज़ से, ठीक है। विवेकानंद की बात करते हैं, इनको नरेंद्र नाथ दत्ता बोलते हैं ओरिजिनली, ये 1863 इसमें जन्म हुआ था इनका कोलकाता में, ठीक है ना। और इनका इंटरेस्ट वेस्टर्न फिलोसफी, हिस्ट्री, थियोलॉजी इन्हीं सब में था, ठीक है ना। ये अपने एक लीडर गुरु से मिलते हैं, रामकृष्ण परमहंस, और बाद में, मतलब बाद में एक रिलीजियस लीडर से मिलते हैं, बाद में उनको अपना गुरु बना लेते हैं, ठीक है ना। पूरा जिंदगी ये रामकृष्ण को त्याग देते हैं जब तक अपना उनका डेथ ना हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद 1893 मतलब 1886 से डेथ तक, 1893 विवेकानंद इनको नाम पड़ जाता है। विवेकानंद वर्ड इनको देखो, नरेंद्र नाथ दत्ता ओरिजिनली है, विवेकानंद कौन बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं। महाराजा अजीत सिंह जो कि क्षेत्रीय स्टेट थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, ठीक है ना। और पहले मतलब एक्चुअली नरेंद्र नाथ दत्ता के बाद इन्होंने नाम रखा था सचिदानंद कुछ समय के लिए, उसके बाद उनका नाम विवेकनंद, बहुत विवेकशील इंसान थे इसके, स्पिरिचुअल एनुभव, शिकागो में एड्रेस करते हैं 1893 में, जब पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड वर्ल्ड रिलीजन हो रहा था, तो वहाँ पे, ठीक है। इंडिया आते हैं, उसके बाद रामकृष्ण मिशन बनाते हैं 1897 में, बेलूर मठ की स्थापना करते हैं 1899 में, ठीक है ना। इनका लिगेसी बहुत, न्यू वेदांता को प्रीच करते थे, राजयोगा, ज्ञान योगा, कर्म योगा की ये सब इनकी किताबें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इनके बारे में इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस की।
ठीक है, कुछ सिंगर एक मतलब सिंगिंग के बारे में देख लेते हैं। एक है बाउल सिंगल, बाउल, ठीक है ना, ये बसंत उत्सव पे देख रो क्या क्या कर रहे हैं। और रविंद्र संगीत एक गीत है, उस पे डांस हो रहा है, रविंद्र संगीत, ठीक है ना। एक और संगीत है गोम्भीरा, ठीक है ना, बंगाल रीजन से ओरिजिनेटेड है। भवैया एक संगीत है, यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, नॉर्दर्न बंगाल में होता है। और ये छाऊ, एक्चुअली ये डांस है, ठीक है ना। छाऊ डांस जो है ना वो कई जगह परफॉर्म करता है, बंगाल में, झारखंड में और उड़ीसा में। तो बंगाल में जो जगह है कहाँ पे डांस होता है, पुरुलिया छाऊ जिसको बोलते हैं, पुरुलिया जगह हमने देखा था ना, पुरुलिया। तो मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जो पुरुलिया और एक और डांस था ना, पुरुलिया और सराइकेला झारखंड वाला, तो पुरुलिया और झारखंड इन दो जो जगह डांस होता है ना, तो यहाँ पे मास्क यूज करते हैं। लेकिन जो डांस होता था वहाँ पे उड़ीसा में मयूरभंज, वहाँ पे मयूर छाऊ के तीन पार्ट है, समझ रहे, छाऊ डांस के तीन पार्ट है। एक है उड़ीसा वाला, उड़ीसा में वो लोग मास्क यूज नहीं करते, याद रखना, उड़ीसा वाला में मास्क यूज नहीं करते, या इन दो जगह पे मास्क यूज होता है, ठीक है ना। कुछ फोर्ट की बात कर लेते हैं, एक तो फोर्ट विलियम रॉड लॉर्ड क्लाइव ने बनाया था, बेलूर मठ ऑब्वियसली कोलकाता में विवेकानंद बनाए थे, शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर बनाए थे, विक्टोरिया मेमोरियल ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स बनाए थे, काली टेम्पल बनाया था रानी रासमणि कोलकाता में, और काखुदा मस्जिद कोलकाता में, क्लियर। और एक दक्षिणेश्वर काली टेम्पल है, यही इसी काली टेम्पल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे है हुगली रिवर के किनारे, ठीक है ना, ये दोनों अलग अलग है, यह काले टेम्पल है, दक्षिणेश्वर काले टेम्पल है। यहाँ पे जो देवी है ना, यहाँ पे देवी है जो, वो है भवतारिणी काली जी, ठीक है ना, काली पूजा होती है यहाँ पे, स्नान यात्रा होता है, कालपात्रा डे मनाया जाता है, कोलकाता के पास है। अब फाइन एंड आर्ट की बात कर लेते थोड़ा, अभिनंद्र नाथ टैगोर, थोड़ा डिफिकल्ट नाम है ये, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, ठीक है ना। इनका मूवमेंट क्या था, मतलब इनके इनका तो मेन था ये इंडियन स्टाइल को ज़्यादा प्रोफेट करते थे, ठीक है ना, ठीक है ना। नंदलाल बोस को ये नहीं उतना वो करते थे, क्योंकि नंदलाल बोस बार बार इनका जो स्टाइल था इंडियन स्टाइल के बाहर जाते थे इसलिए। और कुछ इनके साथ एसोसिएटेड जो लोग थे, काम करते थे, नंददास बोस और छितिनेन्द्र नाथ मजुमदार, पॉपुलर पेंटिंग इनकी है, इन टैगोर जी की, भारत माता, माई ब्रदर्स जर्नी का एंड, पॉपुलर किताब है, राज कहिनी और नलक, इनका मृत्यु हो जाता है 1951 में, मतलब आज़ाद भारत में मरते हैं। और बहुत सारे रिफॉर्मर जन्म लिए हैं वेस्ट बंगाल के ज़मीन पे, राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद जी, सती डाउरी, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, सभी को यहीं पे ख़त्म किया गया था। बहुत सारे रिलीजियस टीचर यहाँ पे जन्म लिए हैं, चैतन्य, रामकृष्ण जी, प्रभुपदा जी, परमहंस योगनंद जी, ये सब यार मतलब इनका नाम भी आप नहीं ले सकते ठीक से, इतने इतने मतलब हम लोग इतने भी मतलब कुछ भी नहीं है जो इनका नाम भी ले सकते इन इन जैसे लोगों का, ठीक है ना। इनका नाम लेने के लिए भी आपको बहुत स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण जी, प्रभुपदा जी, राम परमहंस जी, योगनंद जी, और सेम इन्हीं इन लोगों का नाम आपको उतना डिवोटेड होना पड़ेगा सोसाइटी के लिए, तभी इनका नाम ले सकते हैं, समझ पे रहे ना। राजा राममोहन राय जी सोसाइटी के लिए बंदे थे, ये मतलब अपने लिए तो कुछ है ही नहीं ना, ठीक है। वेस्ट बंगाल का फेमस तीन चीज़ है, दुर्गा पूजा, रथ यात्रा होता है, रथ यात्रा एक्चुअली कृष्ण के जो जगन्नाथ वाला रूप है ना उसके लिए होता है, जगन्नाथ वाला रूप, और उसके अलावा सरस्वती पूजा होती है, ठीक है ना। थोड़ा यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा बहुत सबसे जो ओल्डेस्ट होता था वो है, उसके तो और बहुत सारा है। फोर्ट विलियम कॉलेज 1810 में बनाया गया था, लेडी बॉर्नबोल कॉलेज बनाया गया था ब्राबॉर्न, स्कॉटिश चर्च स्कूल बनाया गया था, विद्यासागर कॉलेज बनाया था। विद्यासागर पहला इंडियन रन प्राइवेट कॉलेज था, इम्पॉर्टेंट, ये सबसे पुराना क्रिश्चियन का लिबरल आर्ट कॉलेज था, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। हिंदू कॉलेज बाद में बनाया गया था, हिंदू कॉलेज को बाद में रिनेम कर दिया गया प्रिंसली कॉलेज, और बाद में 2010 में उसको प्रिंसली यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया, ठीक है ना। एक ये है
कहाँ पे? पुरुलिया पास के पास है, वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है वेस्ट बंगाल के पास, ठीक है ना। कुछ इंडस्ट्री है बहुत फेमस है वेस्ट बंगाल की, सिप, ऑटोमोबाइल्स, केमिकल, फर्टिलाइजर, बैगन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेपर, जूट, काफ़ी फेमस, काफ़ी कॉटन टेक्सटाइल। मिनरल में भी कोल, फायर क्ले, चाइना क्ले, लाइमस्टोन, कॉपर, आयरन, वोल्फ्रेम, मैगनीज और डोलोमाइट। उसके अलावा राइस, वीट, पोटैटो, शुगर केन, ऑयल सीड, ये सब मिलता है, ठीक है ना। चलिए और एक और चीज़ मैं बता दूँ, दो कोर्स हमारा, तीन कोर्स चल रहा है, मतलब एक कोर्स तो 25 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, अभी दो कोर्स चल रहा है। इसमें हम राकेश यादव सर की बुक मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस कर चुके हैं, इसमें एंशियंट हिस्ट्री डिस्कस कर चुके, अभी हम पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं। पॉलिटी में भी हम सेकेंड चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म करने वाले हैं। लूसेंट में भी हम ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं, बायोलॉजी का कुछ पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो इन दोनों का प्राइस 31 मार्च तक है, अभी इन दोनों को साथ में ले तो 500, क्लियर, दोनों को साथ में ले, अकेले अकेले ले हुए तो 300 पड़ेगा। आपको मिलेगा कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपको मैं कैसे करता हूँ, यूट्यूब वीडियो बना के अनलिस्ट कर देता हूँ और उसका लिंक डाल देता हूँ टेलीग्राम पे, और जो पेड मेंबर है उनको टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करवा देता है। और कोई भी वहाँ पे ऐड वैड कुछ नहीं होता है, आप आराम से वीडियो देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा एक और कोर्स हम ला रहे हैं जिसमें ये दोनों बुक और इसके अलावा एनसीईआरटी और इंटरनेट से कुछ मटेरियल लेके हम कंबाइन करके एक ऐसा वीडियो बनाएंगे, एक ऐसा सीरीज बनाएंगे जिसमें जिसके बाद बाहर आपका क्वेश्चन आना ही इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है ना, जीएस से रिलेटेड अगर करो तो, ठीक है। तो इसका प्राइस हमने रखा है 600 कि अगर 600 पहले 50 स्टूडेंट तक, ठीक है ना, और इसके बाद 1000 रुपीज़ हो जाएगा। लेकिन कोई ऑलरेडी किसी कोर्स का मेंबर है, किसी भी एक कोर्स का मेंबर है तो उनको 500 लेगा अभी, लेकिन बाद में 50 स्टूडेंट के बाद उनको 900 लेगा, ठीक है। मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच, ठीक है। आप लोग अच्छा लगता है वीडियो, कम से कम कुछ लोगों को शेयर कीजिए, कुछ लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, कोशिश कीजिए, मतलब सब्सक्राइब इन द सेंस ऐसे ऐसे सब्सक्राइब कीजिए करवाइए, या ऐसे लोगों को शेयर कीजिए जिनको ज़रूरत है, जिन आपको लगता है कि उनका भी हेल्प हो जाएगा, ठीक है ना, और मेरा तो होगा ही होगा, दोनों का हेल्प होगा, और ज़्यादा प्रमोट होगा तो और लोगों तक तो ये पहुँचेगा इनिशिएटिव। चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच।